जी बेटा इस क्वेश्चन च की है, जॉनसन जॉनसन लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार, ही ड्रॉव 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। 10 किलोमीटर किस तरफ जाता है, डायरेक्शन में वेस्ट, विच वेस्ट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन होती है, इस साइड होती है, कितना मूव करता है 10 किलोमीटर। ठीक है बेटा, ही टेन टर्न टू द साउथ एंड कवर 5 किलोमीटर, साउथ डायरेक्शन की डाउनवर्ड डायरेक्शन और 5 किलोमीटर कवर करता है। फर्दर ही टर्न टू द ईस्ट, पहला गया सी वेस्ट विच, हुण ईस्ट विच, कितना डिस्टेंस कवर किया उन्हें ईस्ट तरफ, 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर कवर किया। फाइनली ही टर्न राइट, इतों राइट टर्न हो जाता है, राइट मीनस क्लॉकवाइज। ठीक है, एंड ड्रॉप 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाता है मीनस इतने पहुंच जाता है, मतलब इतने स्टार्टिंग पॉइंट सी, इतने की फिनिशिंग पॉइंट होगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, पहला कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट तो, कितना दूर है बेटा, क्योंकि पहला स्टार्टिंग पॉइंट कितना सी 10 सी ना टोटल, इन डिस्टेंस दोनों च डिस्टेंस कितना है 10 का है, आ देखो ऊपर आप 8 किलोमीटर आ चुके हैं। ठीक है, 10 चो 8 सबट्रैक्ट किया कितना आ गया बेटा 2 किलोमीटर, मीनस उन्होंने कितना डिफरेंस है दोनों च, स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट कितना डिफरेंस है 2 किलोमीटर का। तो डायरेक्शन दसने लिए आप करा, देखो किस डायरेक्शन में है, देखो फिर बनाई आप इतने, ये सी नॉर्थ वाल सी, उदे तरफ कि तरफ है नॉर्थ दे, इस डायरेक्शन कि डायरेक्शन होंगी बेटा वैसट, कि होंगी है वैसट। ओके, इधर नॉर्थ इधर साउथ इधर ईस्ट। ठीक है, इधर देखो सब तो पहला नॉर्थ डायरेक्शन च ही इतने से, वह इतों स्टार्ट होया मीनस इदा ला लो, तो इधर इधर डायरेक्शन ला लो इधर। ठीक है, इधर कि डायरेक्शन होंगी है वैसट, कि डायरेक्शन होंगी है वेस्ट, इतने ऑप्शन आएगा कि 2 किलोमीटर वेस्ट आएगा। ठीक है, इतने दिता नहीं ऑप्शन, वैसे मैं 2 किलोमीटर वेस्ट आएगा, 2 किलोमीटर दूर ही स्टार्टिंग पॉइंट तो, किस डायरेक्शन में सी वेस्ट में, टूवर्ड्स वेस्ट। डायरेक्शन में बेटा जो रेफरेंस होता ना, मतलब एक रेफरेंस होता जो जितों आप स्टार्ट करी दा, उतों तो जी फिनिशिंग पॉइंट होता उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया करो, फिर काफ़ी क्लीयर हो जाता कि किस डायरेक्शन की गल कर रहा, रेफरेंस उन्होंने मनना आप रेफरेंस। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट तो ही अपना डायरेक्शन कढ़नी है, जिदा आप ओरिजिन मानते ना किसी चीज़ का रेफरेंस मानते हैं करी दा। एक क्वेश्चन होर देखो, हाँ जी, एट्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन देखो बेटा, इफ यू आर फेसिंग, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फेस कर रहे हो मीनस नॉर्थ ईस्ट, पहले अपन देखे कि बनती है, ये नॉर्थ है ये साउथ है वेस्ट है ईस्ट है। ठीक है, आप किस डायरेक्शन की गल कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कि होंगी है दिस वन 45 डिग्री से। ठीक है, इस डायरेक्शन आप बना लेना है, ये करीब बना लेनी है, यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट मीनस इस तरीके आप फेस कर रहे हैं, एंड मूव 10 मीटर फॉरवर्ड, मतलब 10 मीटर इस डायरेक्शन से मूव करता है। ठीक है, टर्न लेफ्ट, और टर्न की करता है लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट टर्न कितना होगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, लेफ्ट टर्न, चलो लेफ्ट टर्न कर देना 90 डिग्री से, बिल्कुल
ठीक है, 90 डिग्री से की कहता है लेफ्ट टर्न कर लिया, तो कितना मूव किया उस डायरेक्शन से, 7.5, कितना मूव किया बेटा, 7.5 मीटर। ठीक है, और आप फाइंड की करना है नेक्स्ट, देन यू आर तुसी किस किस डायरेक्शन च हो। ठीक है, वो तुसी ऑप्शन चो पहला देखोगे, पहला तुसी देख लो ना डिस्टेंस कर लिए, क्योंकि सानू डिस्टेंस भी करना करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में है ना, तो डिस्टेंस कटने लिए पहला आप हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करांगे, उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है, वो मैं तुम फाइंड आउट करके दसदा। ठीक है, जिस तरीके ने देखो इन्हें नाम दे दो कोई, ए बी ते सी, ए तो हाइपोटेन्यूस होंगी है 90 डिग्री के सामने वाली। ठीक है, हाइपोटेन्यूस आप कटनी है मतलब ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के 10 स्क्वायर, बेस 10 स्क्वायर। ठीक है, और परपेंडिकुलर 7.5 स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। ठीक है बेटा, 7.5 आ गया, फाइंड कर लीजिए। ठीक है, 56.25 बनाना।56.25, ठीक है ना, ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा, 156.25। ठीक है, 156.25 हो गया, इन्होंने ऐड किया दोनों नू, ते एसी स्क्वायर सी है ना, एसी कितना आ जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर रूट कटना है 156.25, इसका स्क्वायर रूट कर लो। ठीक है, 156.25। ठीक है, स्क्वायर रूट कर लो पेयर बना के। ठीक है, इधर भी पेयर डेसिमल तो बाहर लाके पेयर बना लेने, 1 1 जा 1, 56 आ गया ऊपरों, 2 हो गया। ठीक है, या फिर सेम नंबर इतने मल्टीप्लाई किया है, उतने नंबर सेम लिखी दें, इतने कितना हो गया 44, 2 1 2 5 है ना, फिर बेटा पॉइंट लग के, ठीक है, ये 12.5 मीटर है ना, 12.5 मीटर। ये आप इनिशियल पोजीशन दी किस डायरेक्शन च है आप वो देखना है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन दी किस डायरेक्शन है, नॉर्थ। ठीक है, और मैं फिर क्वेश्चन वाला आना, ये तुसी ले लिया, हाँ सी बेटा अपना क्वेश्चन पहला, आप इस डायरेक्शन सी अपन रेडी डायरेक्शन सी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सी अपा को। ठीक है, ये अपा तो 90 नाल टर्न लिया सी। ठीक है, ये अपना ए पॉइंट सी, ये अपना बी पॉइंट सी, ए सी पॉइंट सी है ना, ये 10 किलोमीटर दिता सी तुहानू, मीटर दिता सी, ये 7.5 मीटर दिता सी, ये तुसीं हुणे कढ़िया कि आया सी 12.5 है ना मीटर। इट मीनस कितना हो गया, एसी कितना मतलब 12.5 मीटर
ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੌਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੌਰਥ 'ਚ, ਨੌਰਥ ਆਫ ਯੂਅਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਏ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 12.5 ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਨੌਰਥ ਆਫ ਯੂਅਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ? ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੌਰਥ 'ਚ, ਨੌਰਥ ਆਫ ਯੂਅਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਪਟ।